Now we are beginning with section C. So this is question number 11. If AD is not equal to BC, then prove that the equation A square plus B square x square plus 2AC plus BDX plus C square plus D square equals to 0 has no real root. तो यहाँ पे सबसे पहले हमें प्रूव क्या करना है कि ये जो इक्वेशन है इसका कोई भी रियल रूट नहीं है. सो अगर कोई भी आपके पास इक्वेशन है जिसका रियल रूट एक भी ना हो तो हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन जीरो. मतलब अगर हमने प्रूव कर दिया कि जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन जीरो है तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि इस इक्वेशन का कोई रियल रूट नहीं है. राइट. सो डी का फॉर्मूला क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac. राइट. अब यहाँ पे b जो है a और जो c है वो क्या क्या है यहीं पे इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई है. इसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये x स्क्वायर के साथ है. हमारे पास इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c. सो x स्क्वायर के साथ क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो मतलब a हमारा हो गया. ये वाले a और इस a में कंफ्यूज नहीं होना. सो ये a है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. देन हमारे पास b है x के साथ वाला तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2ac प्लस bd. राइट. एंड लास्ट हमारे पास बचा c. सो c इक्वल्स टू है c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर. राइट. सो नाउ वी हैव टू प्रूव कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन जीरो है. सो वी राइट द फॉर्मूला अगेन. b का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac. राइट. सो b क्या है हमारा लेट्स पुट द वैल्यूज नाउ. दिस इज 2ac प्लस bd. ओके. एंड इस पूरे का स्क्वायर माइनस 4. a क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसको सी से मल्टीप्लाई करना है. सो मल्टीप्लाई बाय सी क्या है हमारा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. ओके. सो अब इसको सॉल्व करते हैं. यहाँ पे हमें इस पूरे का स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा ac प्लस bd का होल स्क्वायर. राइट. तो 2 का हमने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया और इस पूरे पे स्क्वायर लगा दिया. अभी आगे हम इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे माइनस 4. अब यहाँ पे पहले इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं. ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा सी स्क्वायर से फिर ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा डी स्क्वायर से. सिमिलरली बी स्क्वायर सी स्क्वायर से फिर डी स्क्वायर से. सो इसको मल्टीप्लाई करते हैं ए स्क्वायर और सी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर. देन ए स्क्वायर प्लस रहेगा सब में प्लस है. सो दिस इज ए स्क्वायर एंड डी स्क्वायर प्लस. अब बी स्क्वायर को करना है सो बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड डी स्क्वायर. ओके करें. अब यहां पे हमारे पास है 4 हम बाहर रखेंगे. अंदर ये हमारे पास आ रहा है ए प्लस बी होल स्क्वायर. सो वी नो दैट ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यू कैन राइट इट एज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. राइट. इट्स वन ऑफ द सेम थिंग. तो यहाँ पे भी फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो ए स्क्वायर ए सी का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर सी स्क्वायर. करेक्ट. देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका स्क्वायर करना है ये हो जाएगा बी स्क्वायर और डी स्क्वायर. करेक्ट. प्लस 2ab ab है ac a है ac और b है bd. अंडरस्टैंड. यहाँ पे सिर्फ ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं इस पे बहुत ध्यान दे रहे हैं यहां मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. ओके. देन माइनस. अब इस 4 को सब में मल्टीप्लाई कर देंगे बाहर माइनस है तो अंदर जितने प्लस वाले थे सारे नेगेटिव हो जाएंगे. तो ये हो जाएगा 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस अगेन 4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर देन माइनस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर देन माइनस 4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर. करेक्ट. अब यहां पे भी हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. दिस विल बी 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 8 ए सी एंड दिस इज बी डी. सो
करेक्ट, माइनस ये एज इट इज नीचे अभी लिख देंगे हम, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस फोर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड माइनस फोर बी स्क्वायर डी स्क्वायर. ओके, सो अब यहां पे हम देखते हैं क्या क्या कैंसिल आउट हो सकता है. तो यहाँ पे ए स्क्वायर सी स्क्वायर है, ये प्लस का है ये माइनस का है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे. सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे है बी स्क्वायर डी स्क्वायर, सो बी स्क्वायर डी स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. फाइन, तो अब हमारे पास क्या बचा, एट ए सी बी डी एंड माइनस फोर ए स्क्वायर डी स्क्वायर एंड माइनस फोर बी स्क्वायर सी स्क्वायर. ओके, अब यहां पे मैं इस पूरी इक्वेशन में से फोर कॉमन ले सकती हूँ, ऑल्सो ये माइनस के इनको प्लस करने के लिए माइनस भी मैं कॉमन ले लूंगी. तो ये यहां पे मैंने माइनस फोर कॉमन ले लिया, तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, सिंस नेगेटिव भी बाहर लिया है तो ये हो जाएगा माइनस टू ए सी बी डी. टू क्यों हो गया, बिकॉज फोर कॉमन लिया, फोर इंटू टू इज एट. देन यहां पे माइनस फोर चला जाएगा प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर. ओके, सो अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अगर हम एक चीज देखें तो हमारे पास ये एक आइडेंटिटी बनेगा. कैसे, सी दिस आइडेंटिटी, ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी. नाउ अब यहाँ पे अगर मैं ए समझू, मेरा ए डी है और बी जो है वो बी सी है, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी. समझ में आ रहा है, एक बार फिर से देख लो, ये अगर पूरा ए है मतलब ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर और ये हो गया टू ए बी. तो यहां पे मैं आइडेंटिटी लिख सकती हूँ, अभी मैं यहाँ के पे ये रब कर रही हूं, आपको आइडेंटिटीज मेंशन करनी है. ओके, सो नाउ हमें पता चल गया ये ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, तो माइनस फोर बाहर एज इट इज रहेगा, अंदर ही आ जाएगा. ए क्या है, ए डी, सो ए डी एंड माइनस बी सी का होल स्क्वायर. सो ये हमने आइडेंटिटी लगा दी. नाउ सी, अब हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज अगेन अगर आप स्क्वायर को ओपन करोगे तो वो यही आ जाएगा. सो मींस देयर इज नो फर्दर सॉल्यूशन टू दिस. अब हमें प्रूफ क्या करना था, कि ये लेस देन जीरो है, वो प्रूफ हो चुका है. कैसे, लेट्स अंडरस्टैंड. देखो यहाँ पे ये माइनस फोर है, नेगेटिव नंबर है, इसको अभी के लिए छोड़ दो. अभी हम चलते हैं, यहाँ पे ए डी एंड बी सी है. क्वेश्चन में आपको फर्स्ट लाइन में गिवन था दैट ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी. अब इसको हम यूज कैसे करेंगे, लेट्स सी. ए डी बी सी के इक्वल नहीं है, अगर ए डी बी सी के इक्वल नहीं है तो मतलब ये जीरो नहीं हो सकता. अगर ये दोनों इक्वल है तभी माइनस हो के जीरो हो पाता ना, तो ये हमें गिवन है कि ये इक्वल नहीं है, तो मतलब ये जो है ये जीरो नहीं हो सकता. ठीक है, तो अब क्या हो सकता है, अगर ए डी बी सी से बड़ा है तो एक पॉजिटिव नंबर आएगा. ऑब्वियसली अगर हम बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो यू विल गेट अ पॉजिटिव नंबर. तो अगर ए डी बड़ा है, इफ ए डी इज ग्रेटर देन बी सी, सो यू विल गेट अ पॉजिटिव नंबर. ये यहाँ पे जो है ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ. ओके, तो अगर ए डी बी सी से बड़ा होगा तो एक पॉजिटिव नंबर आएगा, अगर ए डी बी सी से छोटा होगा तो यू विल गेट अ नेगेटिव नंबर. यहाँ पे अगर ए डी छोटा है तो फिर क्या होगा, नेगेटिव नंबर आएगा. जब बड़ा नंबर पीछे होगा तो ऑब्वियसली यू विल गेट अ नेगेटिव नंबर. तो या तो पॉजिटिव नंबर आएगा या नेगेटिव नंबर आएगा, लेकिन इसका स्क्वायर है. तो अगर आप एक पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करो तो भी पॉजिटिव नंबर आएगा, अगर आप एक नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करो तो भी पॉजिटिव आता है. जैसे कि अगर माइनस टू है, माइनस टू है तो माइनस टू का अगर स्क्वायर है तो माइनस टू इंटू माइनस टू फोर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो मींस यहां पे आई राइट इट हियर नाउ, ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर विल बी अ पॉजिटिव नंबर. अंडरस्टैंड,
क्योंकि इसका स्क्वायर है तो ये अगर जीरो होता तो वो जीरो हो जाता, लेकिन हमें गिवन है कि दोनों इक्वल नहीं है, तो या तो पॉजिटिव होगा अंदर या नेगेटिव होगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, स्क्वायर होने के बाद वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये पार्ट हो गया पॉजिटिव। अब यहाँ पे कुछ भी आए वो पॉजिटिव नंबर है ये हमें पता है, तो उसको अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस माइनस, मींस इफ वी मल्टीप्लाई दिस बाय माइनस फोर इट विल गिव अ नेगेटिव नंबर। अब अंदर से इस साइड पे अगर पार्ट पे पॉजिटिव नंबर है उसको नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव ही आएगा आपके पास। सो दिस मींस इसको सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यूज होंगे अगर वो पुट कर देंगे हम तो वो एक हमें नेगेटिव नंबर देगा। नाउ ऑब्वियसली नेगेटिव नंबर मींस लेस देन जीरो, राइट? सो यही हमें प्रूव करना था। सो देयरफॉर डी इज लेस देन जीरो बिकॉज इट इज कमिंग आउट टू बी अ नेगेटिव नंबर। ओके, यहां तक आप सॉल्व कर लोगे अगर आपने इसमें कोई मिस्टेक नहीं करी होगी। उसके बाद ये जो पार्ट है दिस इज ऑल अबाउट योर नॉलेज कि आप कितना वहां दिमाग लगा पाओगे और कैसे उसको प्रूव करके दिखा दोगे। सो दिस इज दी वे, क्योंकि हमें ये गिवन था कि ए डी बी सी के इक्वल है तो ये जीरो नहीं हो सकता, देयरफॉर या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो हम उसका स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव आ जाएगा, देन पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव नंबर आएगा एंड अ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज लेस देन। ओके, सो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया दैट द डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन जीरो, सो देयरफॉर दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।